छिंदवाड़ा में भूमाफियाओं का जाल बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही भूमाफिया की आपस की लड़ाई अब खूनी संघर्ष में बदल चुकी है। आज रात त्रिलोकी नगर में ऐसे ही खूनी संघर्ष में एक भूमाफिया द्वारा दूसरे पर धारदार हथियारों से जानलेवा वार करके छिंदवाड़ा में सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा के दो कुख्यात भू माफिया पवन माहौरे और जीतू वेज के बीच किसी जमीन और लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। कल पवन माहौरे ने अपने भाई नरेंद्र माहौरे और अन्य तीन साथियों के साथ जीतू वेज पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे जीतू को गले और हाथ में गंभीर चोट पहुंची है और 17 टाके आए हैं। डॉक्टरों द्वारा मरीज की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित द्वारा तीन आरोपियों को नामजद किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है, बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों को राउंड अप करने का प्रयास कर रही है। पुलिस द्वारा पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए नायब तहसीलदार ध्रुवे के समक्ष पीड़ित के मरना सन कथन भी कराए गए हैं। कल देर रात ही एक सूचना आई थी जिसमें पातालेश्वर के निवासी जित्तू बैस के गले में एक खरोंच है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे करके एक सूचना आई थी जिसकी तस्दीक करने पर पाया गया कि आवेदक के ऊपर किसी जो आवेदक तीन लोगों के नाम ले रहे हैं कि उनके द्वारा हमला किया गया है। घटना की तस्दीक की गई और घटना में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर अपराध को पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिन आरोपियों के नाम बताए गए थे फरियादी के द्वारा उन्हें राउंड अप किया जा रहा है। इसके साथ साथ विवेचना की जा रही है कुछ नए तथ्यों का। आपसी विवाद को और दोस्ती के माहौल में यह विवाद की सूचना आ रही है तो उसके लिए हम तस्दीक कर रहे हैं कि घटना के मूल कारणों का पता लग सके ताकि निष्पक्ष विवेचना की जा सके। छिंदवाड़ा से BCN न्यूज़ के लिए शेखर राजपूत की रिपोर्ट।